डॉक्टरेट एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा था, विफलता तुम्हें पिछाड़ नहीं पाएगी अगर तुम्हारे सफल होने की परिभाषा मजबूत हो तो। दोस्त, दुख तो ये है, सफलता पाने के लिए समय बहुत कम है, और खुशी ये है अभी भी समय है। जल्द से जल्द सफल होना चाहते हो तो एक ही रास्ता है, महान लोगों की तरफ देखो, उन्हें सुनो, उनके अनुभव से सीखो, क्योंकि खुद सब कुछ एक्सपीरियंस करके अपनी गलतियों से सीखने के लिए जिंदगी बहुत छोटी है। दोस्त, जब एक मासूम सी बच्ची ने एक बार कलाम जी से वो सवाल पूछ लिया जिसका राज पूरी दुनिया जानना चाहती है, वो सवाल था कि आप इतने महान, कामयाब और सफल कैसे बने, आखिर सफलता का राज क्या है। इस बात पे कलाम जी ने मुस्कुराते हुए सफलता के 4 सिद्धांत बताए, जिसको समझ के अगर अपने जीवन में उतार लिया जाए तो सफलता को आना ही होगा। कितना ही बड़ा लक्ष्य क्यों ना हो तुम्हारा, उसे इन सिद्धांतों के सामने झुकना ही होगा। कलाम जी का सफलता पाने का सबसे पहला सिद्धांत, अ ग्रेट एम इन लाइफ। दोस्त, बड़े सपने देखो और बड़े लक्ष्य बनाओ। कलाम जी कहते थे, इससे पहले सपने सच हो आपको सपने देखने होंगे। महान सपने देखने वालों के महान सपने हमेशा पूरे होते हैं। बिना लक्ष्य के जीवन बिना आत्मा का शरीर है जिसका कोई अस्तित्व नहीं। दोस्त, बड़े सपने देखने से बिल्कुल भी मत घबराओ, ऐसा लक्ष्य बनाओ कि सोच के ही रोंगटे खड़े हो जाएं, वो लक्ष्य तुम्हारे जीने की वजह बन जाए। ऐसा करने पे अब उस बड़े लक्ष्य को पाने के लिए तुम्हारे जीवन का हर एक मिनट सोने से भी ज्यादा कीमती हो जाएगा। दूसरा सिद्धांत है कंटिन्यूअसली एक्वायर नॉलेज। दोस्त, महान लक्ष्य बनाने के बाद सफलता के लिए सबसे जरूरी है आप निरंतर ज्ञान अर्जित करते रहो। दोस्त, कलाम जी जब राष्ट्रपति बने थे तो वो 2 सूटकेस लेके राष्ट्रपति भवन पहुंचे, एक में कपड़े और दूसरों में किताबें। ये कंटिन्यूअसली नॉलेज गेन करने की चाहत ही थी कि एक अखबार बेचने वाला लड़का मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बन जाता है। दोस्त, जो हर दिन कुछ सीखता है वो हमेशा जीतता है। रूल नंबर 3, हार्ड वर्क। दोस्त, सोचो, महान लक्ष्य होने के बावजूद लोग इतने असफल क्यों हो जाते हैं? सच ये है कि जितना बड़ा लक्ष्य होगा उतनी बड़ी और उतनी बार मुश्किलें आएंगी, पर कठिनाइयों का मतलब असंभव नहीं है। इसका सीधा मतलब है आपको सबसे ज्यादा और कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, खुद को तपाना पड़ेगा। यहाँ कलाम जी की सबसे प्रसिद्ध कथन कहना चाहूंगा, अगर सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना होगा। 4th और सबसे आखिरी नियम, परसिवियर, रिपीटेड बिहेवियर, दृढ़ता। कितने भी फेलियर आए अपनी मंजिल को अपनी नजरों के सामने रख के लगातार आगे बढ़ते रहना होगा। और ये नियम कलाम जी के जीवन से सीखा जा सकता है। जब उनकी 19 साल की मेहनत, भारत का पहला सैटेलाइट लॉन्च करने का सपना, SLV-3 रॉकेट कुछ ही सेकंड में धुआं हो जाता है, सालों की मेहनत उनको रोने पे मजबूर कर देती है, उसके बावजूद परसिवरेंस दिखाते हुए 1 साल के अंदर दोबारा रोहिणी मिसाइल लॉन्च करके अपना और पूरे भारत का सपना पूरा कर दिखाया। बस यही दृढ़ता चाहिए अपने सपनों के लिए। अगर तुम उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, दौड़ नहीं सकते तो चलो, और चल नहीं सकते तो रेंगते हुए आगे बढ़ो, लेकिन हमेशा आगे बढ़ते रहो। कोई भी कीमत चुकानी पड़े, कितना भी दर्द सहना पड़े, पर जो पाना है वो किसी हाल में पाना है। लक्ष्य को हासिल करने के लिए दृढ़ संकल्प हो तो सफलता जरूर मिलेगी। अपने जीवन में सफलता पानी है तो कलाम जी के 4 सिद्धांतों को अपने जीवन में ढालना होगा। हैव अ ग्रेट एम, कंटिन्यूअसली एक्वायर नॉलेज, हार्ड वर्क एंड परसिवियरेंस। आखिरी में कलाम जी की एक और बात कहना चाहूंगा, जिस दिन आपके सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाए तो मान लेना कि आप सफल हो गए। तो चल उठ और दिखा दे इस दुनिया को कि तू टूटेगा नहीं, तोड़ेगा। जय हिंद, जय भारत, जय कलाम जी।